6 ODI वर्ल्ड कप, 2 चैंपियन ट्रॉफी, 1 T20 वर्ल्ड कप एंड 1 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसने 10 ICC अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम जिसने सबसे ज्यादा ICC अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की सबसे सफल टीम मानी जाती है, चाहे वो ODI हो या T20 या फिर टेस्ट। Ricky. Yeah, wonderful effort there from the... Championship final, 20... Australia ki peeli jersey dale... ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जो किसी भी सिचुएशन में खेलना पसंद करती है, जैसा आपने 2023 के वर्ल्ड कप में देखा होगा। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम इंडिया की टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हराकर दोबारा से एक बार फिर किसी बड़े टूर्नामेंट में कदम रखा, और फिर मीडिया में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि वर्ल्ड कप 2023 कौन जीतेगा। वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाता है, जिसमें न्यूजीलैंड इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा देती है, और ऑस्ट्रेलिया टीम जो एक बार फिर वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश में थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच इंडिया से खेलती है, जो कि एक वर्ल्ड क्लास टीम मानी जाती है, और साथ ही इंडिया की टीम इस वर्ल्ड कप को होस्ट भी कर रही थी। इंडिया को हराना इतना आसान नहीं था, और ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच इंडिया से हार जाती है। ऑस्ट्रेलिया इस हार से इतना परेशान नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच था साउथ अफ्रीका से, और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से मैच हार जाती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की मुश्किलें बढ़ जाती हैं, और ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच था श्रीलंका से, और फिर क्या हुआ वो सारी दुनिया जानती है। ऑस्ट्रेलिया इस मैच को 5 विकेट से जीत जाती है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच नहीं हारती। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रनों से हराया, नीदरलैंड को 309 रनों से, न्यूजीलैंड को 5 रनों से, इंग्लैंड को 33 रनों से और अफगानिस्तान को 3 विकेट से। इस मैच को जीतना आसान नहीं था, लेकिन इस मैच में मैक्स बेल की वो पारी जिसे अफगानिस्तान का हर प्लेयर याद रखेगा। मैक्स बेल ने अपने दम पर चोटिल होने के बावजूद भी मैक्स बेल दर्द से गूंज रहे थे, लेकिन फाइनल खेलना आसान नहीं था, और मैक्स बेल ने इस मैच में 201 रनों की पारी खेली, जिसमें 10 छक्के और 21 चौके शामिल थे। इस पारी को खेलकर मैक्स बेल ने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में राह दिखाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची, और सेमीफाइनल में मुकाबला था साउथ अफ्रीका से, जो ऑस्ट्रेलिया को एक मैच हरा चुकी थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वो टीम जो बड़े मैचों में अच्छा प्रदर्शन करती, और ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंची, और फाइनल में पहुंचने के बाद मुकाबला था वर्ल्ड की नंबर 1 टीम इंडिया से, जो इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन के मन में एक सवाल था, इंडिया के फैंस और वो क्राउड जो हर टीम को हड़बड़ा देता है। ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन ने कहा कि हमें सिर्फ इंडिया के फैंस को चुप कराना है और हम मैच जीत जाएं। अब दिन था फाइनल का, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया थे मैदान पर। टॉस आसमान में उछाला गया, और साथ ही कैप्टन के नसीब भी, सिक्का गिरता है पैट कमिंस के पक्ष में, टॉस जीता बैटिंग चुनी। इंडिया की तरफ से बैटिंग के लिए आते हैं कैप्टन रोहित शर्मा और सुमन गिल। सुमन गिल रोहित शर्मा का साथ नहीं दे पाते हैं, लेकिन रोहित की बैटिंग को देखकर लग रहा था कि आज इंडिया 350+ रन स्कोर कर पाएगी, लेकिन रोहित शर्मा का विकेट्स गिर। फिर क्या, इंडिया की टीम को एक झटका लगा, और बैटिंग के लिए आए इंडिया की टीम की बैकबोन विराट कोहली। फैंस अभी भी उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन विराट कोहली 54 रन्स बनाकर आउट हो जाते हैं। इंडिया के फैंस को लगने लगा था कि अब हम मैच हार गए, और नजर क्रिकेट के साथ फैंस को चुप रखने पर भी होगी, और ऐसा ही हुआ। इंडिया ने 10 विकेट खोकर 240 रन स्कोर की। अब बारी आती है इंडिया की बॉलिंग की, जो इस वर्ल्ड कप में काफी शानदार रही थी। बैटिंग के लिए आते हैं वार्नर और हेड, और पहले ओवर में 16 रन आते हैं। लग रहा था ऑस्ट्रेलिया मैच आसानी से जीत लेगी, लेकिन समी ने अपने पहले ओवर में वार्नर को आउट किया। इसके बाद बुमराह मार्श और स्मिथ को आउट करते हैं। एक बार फिर मैच इंडिया की ओर खिंचता दिखाई दिया, लेकिन बैटिंग कर रहे थे हेड। हेड ने 137 रन की और लवुसाने ने 58 रनों की पारी खेली और मैच को जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर साबित कर दिखाया कि हम किसी भी सिचुएशन में खेल सकते हैं, जीत भी सकते हैं, और इंडिया को उसके घर में हराया। इस वर्ल्ड कप को जीतकर पैट कमिंस एक सफल कप्तानों में से एक सफल कप्तान बने, लेकिन
ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए यादगार वर्ल्ड कप रहेगा, चाहे भले ही इंडिया न जीती हो। क्या इंडिया 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को जीत पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।